देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में यहां 923 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मंगलवार को 496 नए मरीज मिले थे। 7 महीने में पहली बार एक दिन में इनमें मामले सामने आए हैं। इससे पहले 29 मई को 956 केस आए थे। मंगलवार की तुलना में यहां नए मामलों में 86% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहां पॉजिटिव रेट भी 1% के पार हो गया है, जो कि 28 मई के बाद सबसे ज्यादा है। 28 मई को पॉजिटिव रेट 1.58% था, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई है। राजधानी में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 2000 के आंकड़े को पार करते हुए 2191 हो गई है, जो कि करीब 6.5 महीने में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 19 जून को सक्रिय मरीजों की संख्या 2372 थी। एक दिन में कोरोना के आंकड़े में 86% की बढ़ोतरी हुई है। 1000 के करीब पहुंचे दिल्ली में कोरोना के नए मामले। संक्रमण दर 1% के पार 24 घंटे में आए 923 नए मामले करीब 7 महीने में सबसे ज्यादा कोरोना मामले। 30 मई के बाद से सबसे ज्यादा नए कोरोना के मामले 30 मई को आए थे 946 केस। 1.29% हुई कोरोना संक्रमण दर 7 महीने में सबसे ज्यादा संक्रमण दर। संक्रमण दर 28 मई के बाद से सबसे ज्यादा 28 मई को 1.58 थी पॉजिटिविटी रही। सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 2000 के पार 2191 हुई है। संख्या करीब 6.5 महीने में सबसे ज्यादा है। 19 जून के बाद सबसे ज्यादा सक्रिय मरीज। 19 जून को 2372 था आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना में नहीं हुई कोई मौत। 25,107 है कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा। होम आइसोलेशन में 1,068 मरीज। सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 0.15%। रिकवरी दर 98.11%। 24 घंटे में सामने आए 923 केस। कुल आंकड़ा 14,45,102। 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए 344 मरीज। कुल आंकड़ा 14,17,804। 24 घंटे में हुए 71,696 टेस्ट। टेस्ट का कुल आंकड़ा 3,25,75,392। RT-PCR टेस्ट 64,233। एंटीजन 7,463। कंटेनमेंट जोन की संख्या 502। कोरोना डेथ रेट 1.74%। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।